कुमार दिवाकर, स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया में। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली अब सुरक्षा के घेरे से बाहर आ चुकी है। बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी अन्य वारदात महिलाओं के मन में और डर पैदा करती ही जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में आए दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता ही जा रहा है। लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना और शादी का झांसा देकर उनसे शारीरिक संबंध बना लेना, ये घटनाएं आज भी उतनी ही बढ़ रही हैं। और एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई है। जी हाँ, एक लड़के से दोस्ती करना आज इस लड़की को भारी पड़ गया। या यूं कहें कि जल्दबाजी में लिए फैसले से आज ये लड़की पछता रही है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके के डीडीए फ्लैट में रहने वाली एक 24 साल की लड़की को उसी के आशिक ने धोखा दे दिया। गाजीपुर की रहने वाली ये लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा 2 साल से एक लड़के से प्यार करती थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। हालांकि लड़की का कहना है कि शारीरिक संबंध पर उसने अपने प्रेमी से विरोध भी किया था, लेकिन शादी का झांसा देकर उसे अपने जाल में उसने फंसा लिया। मेरे एक लड़के के साथ 2 साल से ऊपर से रिलेशन थे, और मतलब उसने मतलब मुझे शादी का झांसा देके मेरे साथ मतलब फुल मतलब प्रॉपर रिलेशनशिप में थे हम लोग दोनों लोग। और मेरे साथ मेरी मर्जी ना होने पर भी शारीरिक संबंध बने। अच्छा। मतलब वो ही मुझे बोलता था कि मैं तुम्हें इससे शादी करूँगा, इसलिए मतलब मैं उसके शादी के झांसे में आकर मैंने उसकी हर चीज़ को पूरा किया। उसके बाद हमारा रिलेशनशिप चला और कुछ महीनों पहले हमारी बात घर तक पहुँची। घर पे पहुंचने के बाद उसके घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया एज़ अ बहू, और 4-5 महीने तक मैं उनके घर आती थी, जाती थी, रहती भी थी। रात को पूरे बहू की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया। जैसे जैसे वो बोलते थे वो सारी चीज़ें मैंने उनके लिए की। सर पे पल्ला रखो और घर का ये काम करना है, कैसे करना है, खाना बनाना सीखो, वो सारी चीज़ें मैंने पूरी तरीके से कोशिश की। और इसी अक्टूबर को वो लोग मुझे अपने साथ शिरडी ले गए साईं बाबा के आशीर्वाद दिलाने के लिए। हम दोनों को पूरे घर वालों के साथ गए थे। तो शिरडी में उसके घर वालों ने मेरे साथ थोड़ा सा मिसबिहेव किया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने उनको निग्लेक्ट कर दिया उस टॉर्चर को, बिकॉज मुझे लगा कि ये सारी चीज़ जो है वो ससुराल में होती ही है। और आने के बाद उन लोगों ने मतलब जब मेरी मम्मी उनके घर हमारे रिश्ते के रोके के लिए डेट फिक्स करने गई, तो उन्होंने मेरी मम्मी से 20 लाख रुपए की मांग रखी, जो मेरी मम्मी बिल्कुल भी पूरी तरीके से पूरी नहीं कर सकती। बिकॉज किस तरह का टॉर्चर करते थे उसके फैमिली वाले? यही कि मतलब सर पे पल्ला नहीं, ढंग से नहीं रखा, और मतलब हाथ वाथ झटक देते थे वो लोग मेरा।
कभी भी डांट देते थे, चिल्ला देते, और फिर मेरी मम्मी से भी पैसों की मांग रखी उन्होंने, 20 लाख रुपए दहेज मांगा उन लोगों ने मेरी मम्मी से। ठीक है, तो इस बात पे उन्होंने लास्ट में हमारी शादी का रिश्ता तोड़ दिया। तो शेडी भी लेके गए उसके फैमिली वाले, तो किस तरह से देखते हैं पूरी घटना को, क्यों क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि आप घर भी जाते थे उनके, रहते भी होंगे, आना जाना भी था, तो क्या है? सबसे बड़ी वजह ऐसी थी जो शादी टूट गई, रिलेशन टूट गया? सबसे बड़ी वजह मुझे यही लग रही है कि वो लोगों का जो सबसे बड़ा मोटिव था वो लेन देन के ऊपर ही था, दहेज के ऊपर, और बीच में उन लोगों के पास कई जगह से रिश्ते भी आ रहे थे उनके लड़के के लिए, तो मुझे यही डाउट है कि सबसे बड़ा लालच उनका पैसों के ऊपर ही था, दहेज के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने लास्ट में मेरा रिश्ता मतलब तोड़ दिया आकाश के साथ। तो यानी 20 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी आपके घर वालों से? हाँ जी, मेरी मम्मी से। आपकी मम्मी से जी। तो क्या चाहते हैं अब आप, आगे क्या चाहते हैं? आगे मैं यही चाहती हूँ कि मतलब पूरे परिवार वाले और लड़के को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि इन फ्यूचर वो किसी के साथ भी ऐसी चीजें ना करें। तो उन्होंने मुझे पूरे पूरे घर वाले ने मुझे एज ए बहू रखा है 4 से 5 महीने, पूरे पड़ोसी लोगों को पता था कि ये इनके घर की होने वाली बहू है जी। और मैं उनके घर आती जाती भी थी, रात को रहती भी थी, तो मुझे बिल्कुल भी ये भरोसा नहीं था कि वो इन फ्यूचर मेरे साथ ये सब चीज़ें करेंगे, और मेरी शादी बस होने ही वाली थी दिसंबर या फेब के लिए, हमारा रिश्ता कि मतलब शादी की बात तय थी कि दिसंबर या फरवरी में हम शादी कर ही देंगे। तो अभी कहाँ पे हैं वो लड़के वाले, कहाँ पर हैं फैमिली? लड़के वाले अब लोग वहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनका जो ये घर था करंट घर वो किराए पे था, और वो लोग घर से फरार हो चुके हैं, पूरा सामान वामान उन्होंने शिफ्ट कर दिया वहाँ से। तो कुछ पता है कहाँ गए हैं? नहीं, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, और पुलिस वाले भी ठीक से एक्शन नहीं ले रहे हैं, और मैंने फर्स्ट डे कंप्लेन लिखवाने गई थी, फर्स्ट डे उन्होंने मेरी कंप्लेन नहीं ली थी, एक्सेप्ट नहीं करी उन्होंने, और 1 से 2 दिन बाद जब मैंने कल FIR लिखाई है, तो अभी तक भी मुझे कुछ स्टेटस पता नहीं चल रहा मेरी FIR का, और मुझे नहीं लग रहा कि ठीक तरीके से इस चीज़ पे एक्शन लिया जा रहा है, ना ही लड़के को पकड़ा जा रहा है, ना ही उसकी फैमिली वालों को, बिकॉज लड़के का नंबर तो स्विच हुआ है पर फैमिली वालों के सारे नंबर्स ऑन हैं, तो अभी तक कुछ भी उन लोगों को ठीक से एक्शन नहीं लिया गया। तो इस बारे में पुलिस को बताया आपने? हाँ, पुलिस वालों को पता है, गाजीपुर थाने में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, कल FIR कराया मैंने वहाँ पर। तो पुलिस से क्या सहायता चाहती हैं अब आप, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस से मैं यही सहायता चाहती हूँ कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जल्द से जल्द करे। युवक के घर वालों ने भी युवती को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर उसे लाड़ करना शुरू कर दिया था। लड़की की मां ने तो युवक के घर वालों ने ही उसे घर में आने जाने की इजाजत दी थी। इतना ही नहीं, युवती युवक के घर वालों के साथ कई बार बाहर घूमने भी गई। युवती को लगने लगा था कि दोनों की शादी अब आसानी से हो जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला है। दरअसल लड़की के घर वाले जब शादी की बात करने के लिए लड़के वालों के घर पहुंचे, तो उन्होंने तपाक से लाखों रुपयों की मांग की। हालांकि लड़की की मां इतने रुपए नहीं चुका सकती थी, तो इसी कारण उन्होंने शादी के लिए इनकार कर दिया। जब लड़के से लड़की ने संपर्क किया, तो लड़के ने शादी से मना कर दिया और अपना मोबाइल बंद करके फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़का, जिसका नाम आकाश बताया जा रहा है, वो पिछले 2 साल से लड़की को शादी का झांसा देकर रेप कर रहा था। और जब पीड़िता लड़की ने आकाश से शादी की बात की, तो लड़की को मना कर दिया और उसको जान से मारने तक की धमकी दे दी।
लड़की ने परेशान होकर आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित लड़की आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाना चाहती है, लेकिन आरोपी अपने परिवार सहित अब भी फरार है। फिलहाल थाना गाजीपुर ने पीड़िता लड़की का बयान और मेडिकल कराकर 376 आईपीसी की धारा लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। लड़के से मेरे पूरे फिजिकल रिलेशनशिप थे। कितने टाइम से? 2 साल से। मतलब स्टार्टिंग में तो उसने मुझे मतलब शादी का झांसा दिया था कि हम शादी करेंगे इन फ्यूचर, मतलब मैं ही तुम्हारा पति होऊंगा। तो उसकी वजह से मैं उसकी ना मर्जी ना होने पर भी मतलब उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में थी। उसके कुछ टाइम बाद वो मुझे निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था उसने, और मैंने ये बात उसके घर तक पहुंचाई हमारे रिलेशनशिप के बारे में। और इसके बाद हम दोनों के घर वाले एक साथ बैठे और हमारी शादी की बात फिक्स की, और उन्होंने मुझे एज अ बहू अपने घर की स्वीकार कर लिया था। शिड्डी भी लेके गए थे आपको? हाँ, जब उन्होंने मुझे अपने घर की बहू स्वीकार किया तो उसके बाद 4 से 5 महीने मैं उनके घर आती जाती रही थी, रात को रह भी जाती थी उनके कहने पर। और वो जैसे जैसे काम कहते थे, जैसे ही चीज़ें करवाते थे कि हमारे घर के ये रूल्स हैं, ये फॉलो करने हैं, ऐसे रहना है, ऐसे बन के रहना है, सर पे दुपट्टा करना है, ऐसे बात करनी है बड़ों से, ऐसे खाना बनाना है, ऐसे घर का काम करना है, वो सारी चीज़ें मुझसे करवाते थे। और आस पड़ोस में भी पता था कि इनके घर की होने वाली बहू है, तो मतलब पूरे एक तरीके से उन्होंने मुझे बहू मान लिया था। मतलब भाभी, उसकी बहन ने मुझे भाभी, मतलब जो भी रिश्ता उन्होंने मुझे दिया था वो पूरी तरीके से वो मुझे उसी नाम से बुलाते थे। और अक्टूबर में वो मुझे 6 अक्टूबर को शिरडी लेकर गए, और ये कहकर लेके गए कि हम दोनों को आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं बाबा जी का जी। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम शादी की जो भी मीन्स क्या बोलते हैं शादी का जो रोका है वो हम 9 दुर्गो में करेंगे। ठीक है। पुलिस इसमें क्या 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 कंप्लेंट लिख रही है, किस प्रकार की कंप्लेंट लिखी है पुलिस ने? मतलब अभी तो उन्होंने मुझे नहीं लग रहा कि ठीक तरीके से कोई भी एक्शन लिया है। फर्स्ट डे जब मैं कंप्लेंट लिखवाने गई तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट एक्सेप्ट भी नहीं करी थी। उसके सेकंड डे में उन्होंने मुझे बोला कि आप एफआईआर लिखो। एफआईआर लिखी है मैंने, पर अभी तक कोई भी अच्छे से एक्शन नहीं लिया उन्होंने लड़के के खिलाफ, लड़के और उसके घर वालों के खिलाफ। तो क्या मांग है अब आपकी? मेरी मांग यही है कि पुलिस जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्यवाही करे, क्योंकि लड़का तो फरार हो चुका है यहाँ से, और घर वालों ने भी अपना जो करंट घर था उनका, जिस एड्रेस पे वो रह रहे थे किराए के मकान पे, उन्होंने वहाँ से अपना घर भी बदल दिया है, और अभी तक पता नहीं चल पा रहा है वो किस एड्रेस पे रह रहे हैं, ना ही पुलिस ठीक तरीके से पता लगा रही है कि वो कहाँ रह रहे हैं अभी करंटली। ये मामला तकरीबन 1 महीने पहले मेरे पास आया था, जो गाजीपुर थाने में अभी रिसेंटली अभी मैं कंप्लेन इसका करवाई हूँ। तो ये था दहेज और सेक्सुअल हरासमेंट प्रताड़ना, इसका मामला ये मेरे पास आया था मेरे एनजीओ में। पीड़ित की फैमिली मेरे से मिलने के लिए आई, फिर मैं लड़के की फैमिली से मिलने के लिए गई। मैं लड़के को बुलाई मगर वो आया नहीं, तो मैं खुद बदरपुर लड़के की फैमिली से मिलने के लिए गई। तो वहाँ जब पहुँची तो उन लोग से बात मेरी हुई, तो उनका डिमांड यही था कि मुझे 20 लाख रुपये चाहिए, तभी मैं शादी करूँगा, नहीं तो शादी नहीं करूँगा। तो मैं उनको बहुत समझाई, लास्टली वो समझने की कोशिश भी किए कि हाँ चलो ठीक है मैम आप बोलती हैं तो इस पर कुछ हम लोग करेंगे। तो 1 महीने का समय मेरे से उठ मांगे, बोले ठीक है आपको 1 महीने का समय मेरे तरफ से मिलता है, जो भी आपका है 1 महीने आप सोच करके मुझे बताइए। तो मैं 1 महीने तकरीबन 1 महीना मेरा होने वाला था उन लोग का मेरे से मिलने का समय, उनका जब नज़दीक आया तो मैं फ़ोन की कि मेरे से आकर के मिले,
आकर के मिलने के बाद तो वो लड़का को मैं फ़ोन कॉल करके बुलाई, तो वो बोला कि ठीक है मैं आधे घंटे में आपके पास आ रहा हूँ। जब आधे घंटे के बाद मैं फिर से कॉल बैक उसको की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ। मैं बार बार लगातार उसको मोबाइल मिलाती रही, उसके फैमिली वाले को मोबाइल मिला, उसके पापा को। मैं पूछी कि कहाँ है आकाश, तो वो बोले कि मुझे भी नहीं पता कि कहाँ है। फिर मैं दूसरे दिन भी उसके पापा से बात की कि प्लीज़ आप लोग आओ और इस मामले को सॉर्ट आउट करो, मामला को ज़्यादा मत बिगड़ने दो। मगर वो नहीं माने, लड़का का मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था, लड़के के पापा से मैं मेरा कांटेक्ट था। जब वो नहीं माने तब मैं गाजीपुर थाने इसका कंप्लेन की। तो उस समय मेरे साथ तीन स्पेशल फोर्स को मेरे साथ भेजा गया यहाँ बदरपुर। कंप्लेन तो नहीं लिए वो, मगर मेरी अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट पर वो भेजे थे उस समय कि जब हम लोग बदरपुर पहुँचे तो ऑल फैमिली वहाँ से फरार है, रिसेंट एड्रेस पे जिस पे वो लोग रहते थे ऑल फैमिली वहाँ से फरार है, और कल इसका FIR लॉन्च किए हैं, मगर पुलिस जगह पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए मैं मीडिया से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मिल करके इस बच्ची को इंसाफ दिलवाइए। मैं तो सपोर्ट में हुई इसके, आप लोग भी इसके सपोर्ट में आइए। तो किस तरह से देखते हैं मैम दहेज का मामला, जो कि एक दिल्ली शहर के अंदर बहुत आज के टाइम पे बहुत ज्यादा उठा हुआ है, दहेज ना देने के कारण में शादी टूट रही है। हाँ। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटना को? इस घटना को अब क्या कहें, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि हमारे समाज को होते क्या जा रहा है। समाज के ये दहेज तो एक बहुत बड़ा क्राइम है, और ऐसा है कि इस बच्ची के हर सिचुएशन से वो लड़का वाकिफ था, कि उनको पता था कि इतना बड़ा अमाउंट वो दे ही नहीं सकती है। उनके मम्मी पापा इतना बड़ा अमाउंट दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके पापा सेपरेट हैं, मम्मी एक छोटी सी जॉब करती हैं। तो ये है इनका, तो अब क्या मैं बोलूँ समाज को, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। जो भी ये मांगते हैं उनको तो सीधा जेल में पकड़ करके और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए। लड़कियों को शादी का झांसा देकर अक्सर लड़के इस बात का पूरा फायदा उठा लेते हैं, लेकिन इसमें लड़कियों का भी उतना ही दोष है। भला किसी नतीजे में आने से पहले वो कोई फैसला क्यों ले लेती हैं? आंखें बंद कर दूसरों पर जल्द भरोसा कर लेना आगे उन्हें ही दिक्कत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, हर रोज रात 10:30 और दोपहर 1:30 रिपीट, सिर्फ JK चैनल पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया, हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ ₹5 में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं।
सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख, संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना, और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, साथी4u.com। जो साथी4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रिपीट सिर्फ देखिए चैनल पर। जो तिरंगा आज हमारे देश की आन बान शान है, जिस तिरंगे पैच, जिस तिरंगे को सर आंखों पर रख सराहा जाना चाहिए, वहीं आज उसी तिरंगे को अपमान की ओर झुका हुआ देखा गया। सनसनी ऑफ इंडिया की टीम ने इन सारी वारदातों को एक मुहिम के जरिए अपने कैमरे में कैद किया। जिस तिरंगे को भारत की स्वतंत्रता के संग्राम काल में निर्मित किया गया था, आज उसी तिरंगे को अपमानित किया जा रहा है। ये तिरंगा सिर्फ कहने भर का नहीं, बल्कि पूरे भारत को एक रखने की ताकत भी रखता है। दरअसल आज दिल्ली में भारत का मैच साउथ अफ्रीका के साथ खेला गया। हालांकि हजारों लोग इस मैच में भारत के लिए जीत की कामना कर रहे थे, जहां एक और भारत के तिरंगे को लहराकर हमारा भारत महान का उदाहरण दिया जा रहा था, लेकिन वहीं दूसरी ओर तिरंगे को अपमानित भी किया जा रहा था। कुछ विदेशी पर्यटक भी इस मैच का आनंद लेने आए। मैच के दौरान सड़कों पर तिरंगा बेचने वाले भारतीय नागरिक भी तिरंगे का अपमान करते नजर आए। माना जाता है कि तिरंगे को घुटने से नीचे तक लाना या तिरंगे को कमर से नीचे भी रखना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, और इस अपराध के तहत आप सजा के भागीदार भी हो सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया ने एक मुहिम चलाई, जिसके अंतर्गत तिरंगे की शोभा बरकरार रखने और उसे मान सम्मान देने की कसम खिलाई गई। सड़कों पर तिरंगा बेचने वाले दुकान वालों को भी तिरंगा घुटने से नीचे लहराते हुए देखा गया। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात का प्रण लिया कि वो भारत के शान तिरंगे का अपमान कभी नहीं करेंगे। तिरंगा कितने रंगों का होता है और इसमें तीलियां कितनी होती है? तीलियां कितनी होती है? तीलियां कितनी होती है? अच्छा, तिरंगा का आप अपमान कर रहे हैं क्योंकि तिरंगा घुटनों के, अगर हम आप घुटनों तक पहुँचा तिरंगा
जबकि कमर के नीचे तिरंगा हम लेके नहीं जा सकते, तो आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं सीधे सीधे तौर पर। आपको नहीं मालूम कि तिरंगा हम यहाँ कमर के नीचे तक नहीं ले जा सकते, पता या नहीं पता? तो तिरंगा को हम कमर के नीचे ले जाएंगे तो ये तिरंगे का अपमान होता है, और तिरंगे का अपमान सीधी जेल होती है। तो आप संसद ऑफ इंडिया के सामने ये कबूल करेंगे कि मैंने अपमान किया, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा? कैसे नहीं करूँगा? तिरंगा आप लहराएंगे? लहरा के दिखाइए, कैसे लहराएंगे? का तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। आपको मालूम है कि कमर के नीचे हम तिरंगा नहीं लेके आ जा सकते। आपने जैसा हमारे पास फुटेज है, अभी भी आपके कमर के नीचे तिरंगा झूल रहा है, और तिरंगे का अपमान का मतलब सीधी जेल। अगर आपको पुलिस अभी हम कैद करें, अरेस्ट करवा दें, तो आपको जेल हो सकती है। आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। नहीं, वो तो हमने कर लिया, अभी भी कमर के नीचे ये पीछे से देखिएगा। चलिए, आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। आप सनसनी ऑफ इंडिया से आप वादा कीजिए कि हम तिरंगे का अपमान नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आप बोल के लाइन बताइए कि संसद में आप मीडिया से वादा करते हैं कि तिरंगा अपमान नहीं करेंगे। विदेश से मैच देखने आए पर्यटकों को भी तिरंगे का अपमान करते हुए देखा गया था, जिसमें एक लड़की भारत के तिरंगे को कमर में बांधकर घूमती नजर आई, लेकिन बाद में इसे तिरंगे का अपमान बताते हुए उसे तिरंगे की महत्वता बताई गई, जिसके बाद उसने माफी मांगते हुए तिरंगे को इज्जत दी और ये भी कहा कि वो अमेरिका जाकर भी लोगों को तिरंगे की इज्जत करने के लिए कहेगी। आप इंडिया से हैं, आप हमारे से वादा कीजिए कि मैं अमेरिका जाके भी तिरंगा का अपमान नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस क्या करूँ जितनी अभी आपको। चलिए, आप ये प्रॉमिस हम अंग्रेजी में करेंगे, बोलिए हम तिरंगा अपमान अमेरिका जाके भी हमारी इस मुहिम ने कई लोगों को तिरंगे की महत्वता याद दिलाई और लोगों ने भी इस बात का प्रण लिया कि वो हिंदुस्तान का तिरंगा कभी झुकने नहीं देंगे। आपको बताते चलें कि भारत के तिरंगे को कई बार अपमान का सामना करना पड़ा है, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि आज भी वाकई कई लोगों को तिरंगे की महत्वता मालूम नहीं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले भारत पाकिस्तान के बीच अटारी बॉर्डर पर होने वाली रीट्रीट सेरेमनी के दौरान दोनों देशों के बीच स्थित जीरो लाइन के गेट पर सोशल मीडिया में हीरो बनने की चाह में तिरंगे का अपमान किया गया था और जिसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। इस तस्वीर में उत्तर प्रदेश की कुछ रसूखदार महिलाएं अपने शरीर पर तिरंगे को लपेट कर फोटो क्लिक करवाती नजर आई, तो पंजाब के अमृतसर निवासी आरटीआई और सोशल एक्टिविस्ट पीसी शर्मा ने इस पर आपत्ति जताते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्रालय और पंजाब के डीजीपी को शिकायत भेजी थी, जिसके बाद पीसी शर्मा के शिकायत अनुसार घरिंडा पुलिस ने तिरंगे के अपमान के मामले में मामला दर्ज कर लिया था। भारत का तिरंगा हमें शान से जीना सिखाता है। ये तिरंगा आज इस बात का प्रमाण है कि आजाद भारत पूरे इज्जत के साथ जीने के काबिल है। हालांकि बदले में इसी राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देने की बजाय इसका तिरस्कार किया जाता है। तिरंगे को नीचे नहीं बल्कि ऊंचाइयों की ओर लहराया जाना चाहिए। लेकिन ये दिल्ली है, भले ही कानून दिल्ली में बनते हों, लेकिन यही कानून दिल्ली की सड़कों पर किस तरह टूटेगा इसका अंदाजा शायद आपको और सनसनी ऑफ इंडिया को मालूम नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। ये दिल्ली का शहीदी पार्क है, जिन शहीदों ने देश के आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनकी आत्माएं आज भी तिरंगे का अपमान होते देख दुखी हो। तिरंगा बेच रहे दुकानदारों को ये कत्ते ही नहीं मालूम कि तिरंगे का अपमान किस तरह किया जा रहा है। सनसनी ऑफ इंडिया के लिए रमेश कुमार सोपटिया। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय कुछ नई वारदातों के साथ।